नमस्कार, मॉर्निंग कॉन कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल मंगलवार। कल के सेशन में कमोडिटी मार्केट में हमने फिर से एक बड़ा उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो क्रूड ऑयल की थी, जहां मई फ्यूचर नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। बिकॉज $30, $25, $20 में काफ़ी लोगों ने लॉन्ग पोजिशंस कर रखी थी। बट अब डिलीवरी के टाइम पे हम देखें तो डिलीवरी लेने के लिए तैयार है, बट उसको रखने के लिए जगह नहीं है, जिसके चलते प्राइजेस में कल हमने नेगेटिव ट्रेड बनते हुए देखा। जबकि अगला फ्यूचर अब नॉर्मल लेवल्स पे आ चुका है, जो करीबन $21-22 के बीच में ट्रेड कर रहा है। वहीं सोने चांदी में हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी। बिकॉज जिस ढंग से ग्लोबल कंसर्न्स बढ़ रहा है कोरोना वायरस को लेकर, जिसमें सेफ हेवन अभी भी सोना, चांदी और डॉलर रहेगा, जिसके चलते आज रुपए में भी हमने कमजोरी बनते हुए दिखी। बेस मेटल में कल हमने गिरावट देखा, आज भी गिरावट का रुख रह सकता है। बिकॉज ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, जिसके चलते हम ये गिरावट देख रहे हैं। बट बेस मेटल में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन ड्रॉप करके चलना चाहिए। इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करें, कल सोने चांदी में लोअर लेवल से हमने फिर से रिकवरी आते हुए देखी। आज के सेशन में तेजी का रुख रहेगा, जो 46,000 तक का लेवल गोल्ड में पहला पड़ाव दिखा सकता है। 46 के ऊपर 46,500 तक का भी लेवल दिख जाएगा। वहीं चांदी 42,500 के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 43,000 का लेवल तोड़ सकती है आज के सेशन में। क्रूड ऑयल मई वादे में गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा, जो 1,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अगर आपको बाइंग करके चलना ही है तो आप जून बाय करके मई को बेच के चलिए, यहाँ पे स्प्रेड में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वहीं नेचुरल गैस में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, जिस ढंग से कल हमने सीवियर शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी और मार्केट ने 134 का लेवल क्रॉस किया है। आज के सेशन में तेजी का रूप ले सकता है मार्केट, बट ध्यान रखिए सस्टेन नहीं करेगा। 145 146 का लेवल भी जा सकता है नेचुरल गैस, बट वहां से फिर से एक दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। बेस मेटल के अंदर जिस ढंग से चाइना में हमने प्रेशर बनते हुए देखा है, उसका नतीजन आज हम एक गिरावट देखेंगे। कॉपर 400 के नीचे 395 तक का लेवल दिखा सकता है। जिंक 150 का लेवल तोड़ सकता है। निकल, एल्यूमिनियम, लेड तीनों में ही नेगेटिव रहेगा। जिस ढंग से एलएमई पे हमने देखा है, सभी कमोडिटीज 1 से 1.5% की गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आने हैं ग्लोबल इकोनॉमी से, बट वो कहीं ना कहीं सब नेगेटिव ही दिखा रहे हैं, जिस ढंग से लॉकडाउन के चलते सभी जगह सिचुएशन वर्स्ट है। आज के डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो यूरो जोन से इकोनॉमिक सेंटीमेंट का डेटा आना है, और साथ में यूएस से एग्जिस्टिंग होम सेल डेटा में भारी गिरावट है, जो कहीं ना कहीं बेस मेटल के लिए नेगेटिव रहेगा। तो आज पूरे दिन की अगर बात करें तो बेस मेटल में सबसे बड़ी गिरावट रह सकती है। वहीं क्रूड में गिरावट रहेगी, सोने चांदी में साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। धन्यवाद।